आसराही बन गीरी मर जानिए तो कारण तबाही बन गीरी जरे जाते नहीं मिथो जो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग योर स्टडीज, इजंट इट? माय नेम इज एंजो एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है और किन किन मॉलिक्यूल में, किन किन कंडीशंस में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पॉसिबल हो सकता है। जब किसी मॉलिक्यूल में C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो जाते हैं और इस कारण से सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाती है, तब इस इफेक्ट को हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कहते हैं। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को शो करने के लिए मिनिमम दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नंबर वन, इसमें सैचुरेटेड कार्बन यानी कि ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज हो उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन या फिर उसके आइसोटोप प्रेजेंट होने चाहिए। नंबर सेकेंड, सैचुरेटेड कार्बन जिसे हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं, ये कार्बन एल्कीन, एल्काइन, कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल या बेंजीन न्यूक्लियस के साथ कंजुगेशन कंडीशन यानी एडजेसेंट या फिर एक्सटेंडेड कंजुगेशन कंडीशन में होना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट में कंजुगेटेड कंडीशन या फिर एक्सटेंडेड कंजुगेटेड कंडीशन क्या होती है, इसको हम डिटेल में मेसोमेरिक इफेक्ट के दौरान एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ किसी भी मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट के थ्रू अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ऐसा मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को शो कर सकता है। इन सभी मॉलिक्यूल्स में या फिर इंटरमीडिएट में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है, हाइपर कंजुगेशन किस तरह से होता है, इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन किस तरह से होता है। एल्कीन के हाइपर कंजुगेशन में C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन और एल्कीन के पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से इस कंजुगेशन को हम सिग्मा CH पाई कंजुगेशन भी कह सकते हैं। एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन के लिए उसके C डबल बॉन्ड C के जस्ट आगे वाले कार्बन जिसको हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं, ये सैचुरेटेड होना चाहिए यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और इस पर कम से कम एक हाइड्रोजन या कोई इसका आइसोटोप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन किसी एल्कीन के थ्रू फुलफिल होती है तो ऐसी एल्कीन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो कर सकती है। इस एल्कीन में सबसे पहले इस अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे इस कार्बन कार्बन के बीच के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं और इसके थ्रू हमारे पास एक नई हाइड्रोजनेटिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। इस हाइड्रोजनेटिव स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। इस इफेक्ट के दौरान चूंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी कहा जा सकता है। इसी कारण से इसकी हाइड्रोजनेटिव स्ट्रक्चर को रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। चूंकि अभी हमने इस अल्फा कार्बन के केवल एक हाइड्रोजन को ब्रेक करा है तो अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो वन बाय वन करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे इस एल्कीन में अल्फा कार्बन पर चूंकि 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों हाइड्रोजन इसमें वन बाय वन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके बेस पर अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करें तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से होगा। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी एल्काइन में जब हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उसकी एल्काइन में भी हम इसी तरीके से हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर या हाइड्रोजेनेटिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नंबर सेकंड, कार्बोकेटाइन। किसी भी कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। अगर ये अल्फा कार्बन सैचुरेटेड हुआ यानी sp3 हाइब्रिडाइज हुआ और इस पे एक भी हाइड्रोजन या इसका आइसोटोप प्रेजेंट हुआ, ऐसी कंडीशन में इस कार्बोकेटाइन के थ्रू भी हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि कार्बोकेटाइन में जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसका 2p ऑर्बिटल एम्प्टी होता है और अल्फा कार्बन का ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, वो ब्रेक होता है। इसी कारण से कार्बोकेटाइन के हाइपर कंजुगेशन को हम सिग्मा C सिंगल बॉन्ड H p ऑर्बिटल कंजुगेशन भी कह सकते हैं। इसमें बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और इस कारण से इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और इससे एक नई हाइड्रोजनेटिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। बिल्कुल एल्कीन की तरह से ही कार्बोकैटायन के अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं वो इसमें 1 by 1 पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए इन तीनों के बेस पे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नंबर 3, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल टेक्निकली सिमिलर इंटरमीडिएट होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कार्बोकैटायन में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि कार्बन फ्री रेडिकल में इस कार्बन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और इस कारण से इसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोकैटायन के केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था इसलिए इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने वहां शिफ्ट कर दिया था, और दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने का कारण यह था कि कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्टेट रूल से उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने शिफ्ट किया था। बट कार्बन फ्री रेडिकल में इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्टेट रूल से इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ अभी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अभी ये होमोलाइटिकली क्लीवेज होगा, यानी कि मान लो इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से शो कर लेते हैं तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन अपने पास रख लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा। अब ये जो यहाँ शिफ्ट हुआ वाला इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस हाइड्रोजन पर इस बॉन्ड के हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के कारण सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर टोटल 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों हाइड्रोजन 1 by 1 कार्बन फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके बेस पे इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करें तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट होते हैं, इसलिए दोनों में हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी को चेक करने का प्रोसीजर सेम रहता है। इसमें भी कार्बन फ्री रेडिकल के जस्ट आगे वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर अल्फा कार्बन सैचुरेटेड है यानी sp3 हाइब्रिडाइज है और इस पर कम से कम 1 हाइड्रोजन या इसका आइसोटोप प्रेजेंट है, ऐसी कंडीशन में कार्बन फ्री रेडिकल के थ्रू हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल हो सकता है। नंबर 4, इसी तरह से बेंजीन न्यूक्लियस या हम ऐसा कह लें एल्काइल बेंजीन में भी हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल हो सकता है। किसी भी एल्काइल बेंजीन में हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए उस एल्काइल बेंजीन में बेंजीन के रिस्पेक्ट में जो एडजेसेंट कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन कहलाता है, और अगर ये अल्फा कार्बन सैचुरेटेड है यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज है और इस पर कम से कम 1 हाइड्रोजन या इसके आइसोटोप प्रेजेंट है, ऐसी एल्काइल बेंजीन के थ्रू हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास टॉलिन का मॉलिक्यूल है जो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए टॉलिन का मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो कर सकता है। इसमें भी हाइपर कंजुगेशन उसी तरह से ड्रॉ किया जाता है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के कारण ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, जिससे बेंजीन के कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर देता है। इससे हमारे पास एक नई हाइड्रोजनेटिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। चूंकि टॉलविन के अल्फा कार्बन पर टोटल 3 हाइड्रोजन इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों हाइड्रोजन 1 by 1 इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते वक्त हमको एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि ये तीनों हाइड्रोजन के अलावा ये जो नेगेटिव चार्ज है अब ये बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, और कंजुगेशन में होने के कारण अब ये नेगेटिव चार्ज अपनी ऑर्थो पोजीशन से पैरा पोजीशन पे माइग्रेट करता है और पैरा से वापस ये ऑर्थो पोजीशन पे माइग्रेट करता है, यानी कि इसके रेजोनेंस हाइब्रिड में हमको इन तीनों हाइड्रोजन के चार्ज और इन पोजीशन के बनने वाले नेगेटिव चार्ज को कंसिडर करना पड़ेगा। इसके बेस पे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर हाइपर कंजुगेशन के सिंबल की बात करें तो इसको कैपिटल H के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, और सभी इफेक्ट की तरह हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी 2 तरह का होता है, प्लस H इफेक्ट और माइनस H इफेक्ट। या जितने भी मॉलिक्यूल हमने अभी तक डिस्कस करे हैं उन सभी में हमने कार्बन हाइड्रोजन जो सैचुरेटेड कार्बन था उसके इस बॉन्ड को ब्रेक करके जो अनहाइब्रिडाइज प्री ऑर्बिटल था उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करी है, यानी ये सभी इफेक्ट जो होते हैं वो प्लस H इफेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं माइनस H इफेक्ट की। अगर किसी एल्कीन या बेंजीन के अल्फा कार्बन पर एक भी हैलोजन प्रेजेंट होता है, ऐसी कंडीशन में इसमें माइनस H इफेक्ट यानी कि रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पॉसिबल हो सकता है। माइनस H इफेक्ट को ट्राई हेलो मिथाइल बेंजीन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली क्लीवेज होता है। चूंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और इस कारण से बेंजीन का जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो इस कार्बन की साइड शिफ्ट हो जाता है, जिससे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है। इस इफेक्ट के दौरान अल्फा कार्बन पर जितने भी हेलोजन होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ऑर्थो पोजीशन पे बनने वाला ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है। इसके बेसिस पे अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करें तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखाई देता है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की एप्लीकेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाइपर कंजुगेशन के दौरान ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रेंथ इफेक्ट हो सकती है। नंबर 1, मेसोमेरिक इफेक्ट की तरह से ही हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी इंटरमीडिएट में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को दो तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोकेटाइन दिया गया है, ये हमारे पास बेंजाइल कार्बोकेटाइन है जिसकी पैरा पोजीशन पर एक CH3 ग्रुप लगा रखा है। अगर बेंजीन न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो इस बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन को हमने अल्फा कार्बन कहा था और ये सैचुरेटेड यानी sp3 होने के कारण अगर इस पे एक भी हाइड्रोजन या इसके आइसोटोप प्रेजेंट है तो ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा इंटरमीडिएट हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो कर सकता है। इसको समझने के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। पहले तरीके में जो भी इंटरमीडिएट का चार्ज है जैसे कार्बोकेटाइन या नेगेटिव चार्ज है इसको बेंजीन में माइग्रेट कर लेते हैं। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे जिससे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये पॉजिटिव चार्ज अब ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज चूंकि बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है इसलिए इसकी नेक्स्ट आरएस में ये पॉजिटिव चार्ज अपनी ऑर्थो पोजीशन से इसकी पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही ये इसकी पैरा पोजीशन पर शिफ्ट होगा अब ये पॉजिटिव चार्ज इस CH3 ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन पे आ गया, यानी कि इसमें अब ये जो एल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप होगा ये अपना हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट शो करेगा जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस इंटरमीडिएट में एक दूसरे तरीके से भी हम हाइपर कंजुगेशन को समझ सकते हैं। इसके लिए इस पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन में ना लेकर इस CH3 ग्रुप का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पहले शो कर लेते हैं। इसमें होगा क्या, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे जिसके कारण से इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इस कारण से जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी उसमें इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ शिफ्ट होने से इस ऑर्थो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी। अब इस स्ट्रक्चर में बनने वाला ये नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा और अगली बार ये नेगेटिव चार्ज इसकी पैरा पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही ये चार्ज इसकी पैरा पोजीशन पर आएगा अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट होने के कारण आपस में बॉन्ड की फॉर्मेशन से इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इन दोनों मेथड्स के थ्रू हम किसी भी इंटरमीडिएट में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट चेक कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में इन दोनों तरीके में से हम पहले वाला मेथड यूज कर रहे हैं जिसमें इंटरमीडिएट को हम बेंजीन रिंग में माइग्रेट करके उसकी दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बनने वाले चार्ज के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि इसमें हाइपर कंजुगेशन किस तरह से लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो तरह के बेंजाइल कार्बोकेटाइन दिए गए हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें पैरा पोजीशन पर CH3 है और इसमें ऑर्थो पोजीशन पर CH3 है। अगर हम CH3 ग्रुप की बात करें तो जीओसी के अकॉर्डिंग CH3 ग्रुप के दो इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो प्लस H इफेक्ट जिसको अभी हमने समझा, दूसरे इसमें होता है प्लस I इफेक्ट। दोनों में से प्लस H इफेक्ट डोमिनेंट होता है। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन रिंग में माइग्रेट करें तो ये पॉजिटिव चार्ज 3 जगह पे जाता है, दो जगह ऑर्थो पे जाएगा और एक जगह पैरा पे जाएगा। इस तरह से ये दोनों कार्बोकेटाइन में मूव करेगा। अब बात करते हैं इसके प्लस आई इफेक्ट की। अगर प्लस आई की बात करें तो दोनों तरह के कार्बोकेटाइन में प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। अगर हम प्लस एच की बात करें तो प्लस एच दोनों इफेक्ट में काम करेगा क्योंकि दोनों ही इफेक्ट में CH3 ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इसलिए ये CH3 ग्रुप अपना प्लस एच इफेक्ट शो कर देगा, यानी कि प्लस एच इफेक्ट इन दोनों कार्बोकेटाइन में पॉसिबल होगा। बट सबसे बड़ी खास बात यह है कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट की तरह ही डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो पैरा पोजीशन से लगेगा वो इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन की ऑर्थो पोजीशन से लगने वाले इफेक्ट के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ इस कंपाउंड में या इस इंटरमीडिएट में हम प्लस एच के बेस पर इन दोनों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए हमको इसका माइनर इफेक्ट प्लस आई कंसिडर करना पड़ेगा। चूंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ CH3 ग्रुप नजदीक है जबकि यहाँ CH3 ग्रुप पहला पोजीशन पे होने के कारण दूर है, इसलिए इसमें CH3 ग्रुप अपना जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो ज्यादा इफेक्टिवली लगाएगा। तो इस कारण से इन दोनों में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने देखा है कि ऐसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, और वो स्टेबिलिटी इसलिए इंक्रीज करता है कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट है। तो इन दोनों ही कार्बोकेटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इक्वल होने के कारण इस कार्बोकेटायन में प्लस आई ज्यादा है, इसलिए इन दोनों इंटरमीडिएट में से ये वाला इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। नंबर सेकंड, बिल्कुल म्यूजोमेरिक इफेक्ट की तरह अगर हाइपर कंजुगेशन में कोई फंक्शनल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप या फिर कोई इंटरमीडिएट और एल्काइल ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर होते हैं, ऐसी कंडीशन में अगर एल्काइल ग्रुप के थ्रू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पॉसिबल हो पाए तो ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते, इनका इफेक्ट केवल बेंजीन तक ही सीमित रहता है। ऐसा क्यों होता है? अगर इन दोनों कार्बोकेटायन का आपस में कंपेरिजन करें तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में CH3 ग्रुप पैरा पे है और इसके रिस्पेक्ट में ये CH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पर होता है। अगर इन दोनों के पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन में माइग्रेट करते हैं तो ये चार्ज बेंजीन की दोनों ऑर्थो पोजीशन के साथ साथ पैरा पोजीशन पर माइग्रेट करता है। अब इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या डेवलप हुआ है कि इस CH3 के सामने एडजेसेंट कार्बन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि इस CH3 के एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, इसलिए ये CH3 इस केस में अपना प्लस H इफेक्ट शो नहीं कर सकता। क्योंकि मिथाइल ग्रुप के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो इसमें होता है प्लस H इफेक्ट और दूसरा इसमें होता है प्लस I इफेक्ट। इन दोनों में से प्लस H इफेक्ट डोमिनेंट होता है। अब इन दोनों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले मिथाइल ग्रुप के प्लस I इफेक्ट को कंसिडर करते हैं। प्लस I इफेक्ट हमेशा हर जगह से लगता है, इसमें पैरा पोजीशन से भी लगेगा और इसमें मेटा पोजीशन से भी वर्क करेगा। अगर हम प्लस H की बात करें तो पैरा पोजीशन से तो एप्लीकेबल होगा बट मेटा पोजीशन से ये इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। चूंकि कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या इंटरमीडिएट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो होते हैं उसकी हेल्प करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और कार्बोकेटायन की डेफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर इन दोनों कार्बोकेटायन में देखें तो पहले वाले कार्बोकेटायन में प्लस I के साथ साथ प्लस H इफेक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, जबकि दूसरे वाले कार्बोकेटायन में ओनली प्लस I इफेक्ट ही एप्लीकेबल हो रहा है। इसलिए इन दोनों में से अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो जो फर्स्ट नंबर का कार्बोकेटायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। नंबर थर्ड, हाइपर कंजुगेशन के दौरान अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम एटम को ब्रेक किया जाता है, इसलिए CH बॉन्ड या CD बॉन्ड है तो इसकी स्ट्रेंथ का भी हाइपर कंजुगेशन पे इम्पैक्ट डेवलप होता है। अगर इन दोनों बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए तो CD बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ CH बॉन्ड से ज्यादा होती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर इनके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को देखा जाए तो CD बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि CD बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसी तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट में CH बॉन्ड को ब्रेक करके हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगाया जा रहा है तो इसकी इफेक्टिवनेस जो होगी वो CD बॉन्ड को ब्रेक करने से ज्यादा होगी। जैसे इस एग्जाम्पल में कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि इस कार्बोकेटायन के अल्फा कार्बन पर ड्यूटेरियम प्रेजेंट है। चूंकि CH बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, इसलिए इसका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इससे डोमिनेट होगा और इसी कारण से फर्स्ट कार्बोकेटायन जो होगा इसकी स्टेबिलिटी सेकेंड वाले कार्बोकेटायन से ज्यादा आएगी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज को हमको नोट करना है कि अगर हम प्लस H इफेक्ट की बात करते हैं तो CH बॉन्ड का प्लस H इफेक्ट CT बॉन्ड से ज्यादा होता है क्योंकि CH बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है। बट अगर प्लस I की बात करें तो हाइड्रोजन के आइसोटोप में प्लस I इफेक्ट उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका मास ज्यादा होता है उसका प्लस I इफेक्ट ज्यादा होता है और जिसका मास कम होता है उसका प्लस I इफेक्ट कम होता है। अगर हम इन दोनों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन में माइग्रेट करेंगे, जिससे पॉजिटिव चार्ज बेंजीन की दोनों ऑर्थो पोजीशन के साथ साथ पैरा पोजीशन पर माइग्रेट करेगा। अब दोनों में कॉमन चीज क्या है, यहाँ पर CH3 के एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया और यहाँ पर CD3 के एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। इसका मतलब इसमें CH3 या CD3 अपना प्लस H इफेक्ट शो ना करके इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अगर हम इसमें स्टेबिलिटी की बात करें, चूंकि इस मॉलिक्यूल में सिर्फ प्लस I इफेक्ट ही पॉसिबल होगा जो कि दोनों पोजीशन पे ऑपरेट होगा। ड्यूटेरियम एटम का मास ज्यादा होने के कारण जो CD बॉन्ड होगा उसका प्लस I इफेक्ट CH से ज्यादा होगा, इसलिए इन दोनों में अगर प्लस आई की बात करी जाए तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा और इसी कारण से इन दोनों कार्बोकैटायन में सेकेंड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अब अगर इन दोनों कार्बोकैटायन को आपस में कंपेयर किया जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज जब बेंजीन में माइग्रेट करेगा तो बेंजीन की दोनों ऑर्थो पोजीशन के साथ साथ ये पैरा पोजीशन पे भी जाएगा और दोनों ही एग्जांपल में ये CH3 के एडजेसेंट वाले कार्बन पे आ गया और इसमें CD3 के एडजेसेंट वाले कार्बन पे आ गया, यानी इन दोनों में CH3 और CD3 अपना प्लस H इफेक्ट शो कर सकते हैं। अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात की जाए तो जो CH3 ग्रुप होता है वो CD3 की तरह ही प्लस H के साथ साथ प्लस I को शो कर सकता है, जिसमें से प्लस H इफेक्ट डोमिनेट होता है। अगर हम इसमें प्लस I की बात करें तो प्लस I दोनों टाइप के कार्बोकैटायन में पॉसिबल होगा। CD3 का प्लस I इफेक्ट इसमें ज्यादा ऑपरेट होगा और इसी तरह से अगर प्लस H की बात की जाए तो प्लस H दोनों में ही ऑपरेट होगा क्योंकि दोनों में ही इन CH3 के एडजेसेंट वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। अगर प्लस H की बात की जाए तो CH3 में CH बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, इसलिए इसका प्लस H इफेक्ट ज्यादा होगा। चूंकि CH3 या CD3 ग्रुप में प्लस H इफेक्ट प्लस I पे डोमिनेट होता है और पहले कार्बोकैटायन में प्लस H इफेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि इसका CH बॉन्ड तोड़ना इजी होता है, इसलिए इन दोनों कार्बोकैटायन में अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह किसी भी एल्कीन के हाइपर कंजुगेशन में ब्रिडिक्स रूल भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल के ब्रिज हेड पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री प्लेनर होना चाहिए और ब्रिज हेड कार्बन या ब्रिज हेड एटम प्लेनरिटी को अचीव नहीं कर पाता और इसलिए वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। जैसे इस एल्कीन को अगर कंसिडर करें तो इस एल्कीन में एल्कीन के रिस्पेक्ट में हमारे पास 2 अल्फा कार्बन होते हैं, बट अगर अल्फा H की बात की जाए तो इसमें केवल इस कार्बन पर एक अल्फा H प्रेजेंट होता है। अगर इसको हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर में यूज किया जाए तो इसका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है और इस हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि इसका जो ब्रिज हेड कार्बन है, इस ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और जैसे ही डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। sp2 का मतलब 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। अब ये ब्रिज हेड कार्बन कभी भी 120 डिग्री का एंगल अचीव नहीं कर सकता क्योंकि 120 डिग्री का एंगल अचीव करने के लिए इसको प्लेनर बनना पड़ेगा और रिंग हाईली स्ट्रेन हो जाएगी। इसलिए इस एल्कीन में अल्फा H की रिक्वायरमेंट फुलफिल होते हुए भी इसमें ब्रिडिक्स रूल के अकॉर्डिंग इसमें प्लस H इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। अभी हमने देखा कि एल्कीन, एल्काइन, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्काइल बेंजीन के डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करने के बाद हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो कर सकते हैं। अगर हमको इन सभी मॉलिक्यूल्स की या इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी निकालनी पड़े तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H होते हैं। नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी उसमें कितने अल्फा H है इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H पे होती है। जितने ज्यादा अल्फा H होते हैं उस कंपाउंड में उतनी ज्यादा हाइड्रोजेनेटिव स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा H प्लस 1 से हाइड्रोजेनेटिव स्ट्रक्चर या RS की संख्या निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 टाइप्स की एल्कीन दी गई है। इनकी स्टेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले अल्फा कार्बन और उसके हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। जैसे ए एल्कीन में यहाँ पर हमारे पास 2 अल्फा कार्बन है और इन पे टोटल 3 अल्फा H प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह बी एल्कीन में टोटल हमारे पास 3 अल्फा कार्बन होते हैं और इन पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से जो सी एल्कीन होती है इसमें टोटल 4 कार्बन होते हैं अल्फा कार्बन, और अगर इनके अल्फा H की बात की जाए तो इसमें 10 अल्फा H प्रेजेंट होते हैं। अगर इसमें हम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो नंबर ऑफ अल्फा H प्लस 1 करने से हमारे पास इनकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं। सी एल्कीन से टोटल 11 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि इसमें 10 प्लस 1 हो जाएगा, इसमें टोटल 7 बनेंगी और इसमें टोटल 4 बनेंगी। तो जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इस एल्कीन में जो सी एल्कीन होगी ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगी और ए एल्कीन जो होगी इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी एल्कीन है जिसमें अल्फा एच की संख्या इक्वल है, तब ऐसी कंडीशन में दो पॉसिबिलिटी को चेक की जाती है। पॉसिबिलिटी ए में सबसे पहले ये चेक किया जाता है क्या एल्कीन सिस और ट्रांस है क्या। जैसे एग्जांपल नंबर सेकंड में हमारे पास यहाँ दो एल्कीन मेंशन है। अगर फर्स्ट एल्कीन को कंसिडर करें तो इसमें दो अल्फा कार्बन होते हैं, अगर अल्फा एच को काउंट करें तो इसमें 6 अल्फा एच होते हैं। इसी तरह से इसकी सेकेंड एल्कीन में भी दो अल्फा कार्बन है और टोटल अल्फा एच 6 होते हैं। चूंकि दोनों ही एल्कीन में अल्फा एच की संख्या सेम है, इसलिए अब हम सिस और ट्रांस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चूंकि प्रीवियस वीडियोस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसमें हमने डिस्कस किया था, वहां हमने देखा था कि जो ट्रांस एल्कीन होती है उसमें ये दोनों ग्रुप के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, जबकि सिस एल्कीन में इन दोनों ग्रुप के बीच में डिस्टेंस कम होता है। इसीलिए ओपन चेन एल्कीन में हमेशा ट्रांस एल्कीन सिस एल्कीन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होती है। अगर मान लीजिए हमारे पास साइक्लिक एल्कीन दी गई है, ऐसी कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने देखा था, इनकी स्टेबिलिटी के लिए कार्बन की संख्या काउंट की जाती है। अगर किसी साइक्लिक एल्कीन में कार्बन की संख्या 11 या 11 से नीचे है, यानी कि 3 कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक की एल्कीन में सिस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, और 11 कार्बन से ऊपर हो जाए ऐसी कंडीशन में ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे इन दोनों के केस में टोटल कार्बन की संख्या काउंट करें तो 10 है, ऐसी कंडीशन में 11 से संख्या नीचे है तो इसमें सिस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। अगर इस हिस्से को देखें तो इससे हम कह सकते हैं ये साइक्लिक एल्कीन सिस एल्कीन है, और इस हिस्से को देखकर हम कह सकते हैं ये साइक्लिक एल्कीन ट्रांस है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 11 से नीचे है। ऐसी कंडीशन में सिस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। अगर साइक्लिक एल्कीन में कार्बन की संख्या 11 से ऊपर हो जाए, जैसे इन दोनों एग्जाम्पल में, तो ऐसी कंडीशन में 11 से ऊपर होने पर ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। अगर इस एल्कीन के इतने से हिस्से को देखें तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं ये एल्कीन सिस एल्कीन है, और इस एल्कीन के इस वाले हिस्से को देख के हम कह सकते हैं ये एल्कीन ट्रांस एल्कीन है। चूंकि इनमें कार्बन की संख्या 11 से ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में ट्रांस एल्कीन सिस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल हो जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है अगर एल्कीन सिस और ट्रांस का केस नहीं है और ना ही वो साइक्लिक एल्कीन है, जैसे ये दोनों एल्कीन, तो ऐसे केस में हमको हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड की जाती है। अगर फर्स्ट एल्कीन को देखें तो इस एल्कीन में टोटल 2 अल्फा कार्बन है, और इन पे अगर अल्फा एच की बात करें तो टोटल 6 अल्फा एच प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह सेकेंड एल्कीन में भी 2 अल्फा कार्बन है और इसमें भी टोटल 6 अल्फा एच है। चूंकि इसमें अल्फा एच की संख्या इक्वल है और दोनों ही ना तो सिस ट्रांस के केस है और ना ही साइक्लिक एल्कीन के केस है, तो ऐसे केस में, ऐसे एग्जाम्पल में हमको हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखनी पड़ेगी। अगर हम इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब इन दोनों की हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फर्स्ट एल्कीन की हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में 1 डिग्री कार्बेनेट बना है, जबकि सेकेंड एल्कीन की हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर में 2nd डिग्री कार्बेनेट बना है, और कार्बेनेट की जो डिग्री होती है वो 1 डिग्री कार्बेनेट ज्यादा स्टेबल होता है, 3rd डिग्री कार्बेनेट लिस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बेनेट में ये जो मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप होता है वो सिंगल साइड से डोनेशन करते हैं, जबकि 3 डिग्री कार्बेनेट में ये तीनों एल्काइल ग्रुप 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है, और एनर्जी कंटेंट ज्यादा होने के कारण 3 डिग्री कार्बेनेट 1 डिग्री के कंपैरिजन में लिस्ट स्टेबल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों एल्कीन का जो इंटरमीडिएट है वो 1 डिग्री कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए ये जो फर्स्ट एल्कीन होगी इसका जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर लगेगी वो इफेक्टिव हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगी। इसलिए इन दोनों एल्कीन में फर्स्ट वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल है सेकेंड वाली से। जब हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी HOH का वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को डिटेल में स्टडी किया था और एक्सप्लेन किया था। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के वीडियो में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के डिफरेंट पैरामीटर को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। उस वीडियो लेक्चर में हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि एल्कीन की तरह से एल्काइन में भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि एल्कीन और एल्काइन में एल्कीन की हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर किस कारण से ज्यादा स्टेबल या ज्यादा इफेक्टिव होती है। नंबर सेकेंड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। यहाँ पर इन दोनों की स्टेबिलिटी को हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कार्बोकेटाइन या कार्बन फ्री रेडिकल में सबसे बड़ी स्टेबिलिटी ये होती है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट होते हैं। अगर कार्बोकैटायन के टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि कार्बन फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये है इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बोकैटायन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जबकि कार्बन फ्री रेडिकल को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी पैरामीटर को देखें तो इन दोनों की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच होते हैं। जितने ज्यादा कार्बोकैटायन में और उसी तरह जितने ज्यादा कार्बन फ्री रेडिकल में अल्फा एच की संख्या होगी, इनकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 तरह के कार्बोकैटायन दिए गए हैं, जिनको ए, बी और सी माना गया है। अगर ए कार्बोकैटायन को देखें तो इसमें अल्फा कार्बन की संख्या 1 होती है और टोटल इस पे 1 अल्फा एच प्रेजेंट होता है। इसी तरह बी को अगर देखें तो इसमें टोटल 3 अल्फा कार्बन होते हैं और इसमें टोटल 7 अल्फा एच प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह सी में टोटल 2 अल्फा कार्बन होते हैं और इस पे टोटल 3 अल्फा एच प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोकैटायन में जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बी की होगी क्योंकि इसमें 7 अल्फा एच है, फिर सी की होगी, इसमें 3 अल्फा एच है, और सबसे लिस्ट इसमें ए होगा जिसमें सिर्फ 1 अल्फा एच है। क्योंकि किसी भी इंटरमीडिएट में या मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा अल्फा एच की संख्या होगी उतनी ही ज्यादा उसमें हाइड्रोजेनेटिव या हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे, और जितनी ज्यादा हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी उतनी ही ज्यादा उस इंटरमीडिएट या मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इन दोनों तरह के कार्बोकैटायन में सबसे बड़ा डिफरेंस कार्बोकैटायन की पैरा पोजीशन में लगे हुए ग्रुप का है। अगर हम इस ग्रुप को कंसिडर करें तो इस ग्रुप में बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन होगा ये इसका अल्फा कार्बन कहलाएगा, और अल्फा कार्बन पर इसमें टोटल 3 अल्फा एच प्रेजेंट होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ इसमें प्लस एच इफेक्ट ऑपरेट होगा। अगर इसी तरह इस ग्रुप को कंसिडर करें तो इसमें अगेन बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन कहलाएगा, बट सबसे बड़ा डिफरेंस ये होगा इस अल्फा कार्बन पर डायरेक्टली कोई भी जुड़ा हुआ H नहीं होगा, इसलिए इस ग्रुप के थ्रू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि इस ग्रुप से केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट पॉसिबल होगा, जबकि पहले वाले ग्रुप से प्लस H के साथ साथ प्लस I इफेक्ट पॉसिबल होगा। चूंकि कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इस वाले कार्बोकैटायन में इस मिथाइल ग्रुप के कारण प्लस I और प्लस H दोनों पॉसिबल होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जबकि इस वाले कार्बोकैटायन में इस टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप से केवल प्लस I इफेक्ट पॉसिबल होगा, इसलिए इन दोनों में से फर्स्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। इस एग्जाम्पल में हमारे पास टोटल 3 तरह के कार्बन फ्री रेडिकल दिए गए हैं। अगर फर्स्ट को कंसिडर करें तो इसमें टोटल 3 हमारे पास अल्फा कार्बन होते हैं, और इनमें अगर अल्फा एच की संख्या देखें तो इसमें टोटल 8 अल्फा एच होते हैं। इसी तरह सेकंड फ्री रेडिकल में हमारे पास 2 अल्फा कार्बन होते हैं और इनमें अल्फा एच की संख्या 4 होती है, और थर्ड वाले फ्री रेडिकल में केवल 1 अल्फा कार्बन होता है और इसमें अल्फा एच की संख्या इसमें 1 होती है। क्योंकि अभी हमने देखा कि किसी भी कंपाउंड या इंटरमीडिएट में जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतनी ज्यादा उसमें हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगी। इस कारण से अगर इन तीनों में स्टेबिलिटी की बात की जाए तो फर्स्ट फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें टोटल अल्फा एच 8 है और इनसे टोटल 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। इसी तरह सबसे लेस स्टेबल इसमें तीसरा फ्री रेडिकल होगा क्योंकि इसमें अल्फा एच की संख्या 1 है और इससे टोटल 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। नंबर थर्ड, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू हम किसी भी बेंजीन रिंग में जिसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एप्लीकेबल हो रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में जब हमने टोल्यूइन का हाइपर कंजुगेशन डिस्कस किया था वहां हमने देखा था कि टोल्यूइन में इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके कारण इस एच पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और इस बॉन्ड का डबल बॉन्ड माइग्रेट करके ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करता है। चूंकि हाइपर कंजुगेशन के थ्रू बेंजीन की रिंग में नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है, यानी कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा उतनी ज्यादा बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 टाइप्स की एल्काइल बेंजीन दी गई है। पहले में बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है, दूसरे में इथाइल है, तीसरे में आइसोप्रोपाइल है और चौथे में टर्शरी ब्यूटाइल है। अगर बेंजीन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये जो कार्बन होगा ये इसका अल्फा कार्बन होगा, और जिस अल्फा कार्बन पर डायरेक्टली H जुड़ा हुआ होगा उसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पॉसिबल होगा। अगर हम इन चारों में प्लस H की बात करें तो प्लस H इसमें एप्लीकेबल होगा क्योंकि इसके पास टोटल 3 अल्फा H है। इसी तरह इसमें भी एप्लीकेबल होगा, इसमें टोटल 2 अल्फा एच है, और इसमें भी एप्लीकेबल होगा, इसमें टोटल हमारे पास 1 अल्फा एच है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इस अल्फा कार्बन पर एक भी डायरेक्टली एच जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा ये केवल अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट सभी कंडीशन में शो होता है, तो वो इन चारों में प्लस आई इफेक्ट शो होगा। अब अगर इन चारों में रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने के लिए आपस में कंपेयर करें तो जो फोर्थ कंपाउंड होगा उसमें केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई इफेक्ट के कारण इंक्रीज होगी, जबकि बाकी सभी में ये प्लस आई के साथ साथ प्लस एच पे भी डिपेंड करेगी। चूंकि प्लस एच इफेक्ट डोमिनेंट होता है इसलिए पहले 3 के केस में हम केवल प्लस एच इफेक्ट को कंसिडर करेंगे। दूसरा प्लस एच इफेक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि अल्फा एच की संख्या कितनी है। तो फर्स्ट नंबर के कंपाउंड में 3 अल्फा एच होने के कारण सबसे ज्यादा डोमिनेंट इसका प्लस एच इफेक्ट होगा, जहां हमने 3 एरो लगा दिए। इसी तरह सेकंड कंपाउंड में अल्फा एच की संख्या 2 हो गई, ये इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसको हमने 2 एरो से शो कर दिया। और तीसरे कंपाउंड में अल्फा एच की संख्या और भी कम हो गई, इसलिए इसके इफेक्ट को हमने सिंगल एरो से शो कर दिया। इतना करने के बाद हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि जो कंपाउंड फर्स्ट होगा उसमें डोमिनेंट हाइपर कंजुगेशन के कारण सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी रिंग में होगी, और जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। और फोर्थ एग्जांपल में हाइपर कंजुगेशन एब्सेंट है इसलिए इसमें केवल प्लस आई ही वर्क कर रहा है, इसमें सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। नंबर 4, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ईएस रिएक्शन में रेट को भी निकाल सकते हैं। ईएस रिएक्शन के प्रीवियस अपलोडेड वीडियो में हमने ये देखा था कि ईएस रिएक्शन में बेंजीन के एक एच को इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से रिप्लेस कर दिया जाता है। ऐसी रिएक्शन को हम ईएस रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और प्रीवियस वीडियोस में हमने ये भी देखा था कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के आरडीए स्टेप में अटैक करता है। आरडीए स्टेप किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट होता है। ये बेंजीन पे इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि बेंजीन इसमें निक्लोफाइल का काम करती है और इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो इसका मतलब ये है किसी भी बेंजीन रिंग में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी आसानी से वो इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगी, उतनी आसानी से उतना फास्ट इसका आरडीए स्टेप होगा और इस ईएस रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। अब मान लो इन चारों कंपाउंड में हमको ईएस रिएक्शन की रेट निकालनी होती तो ईएस रिएक्शन की रेट वही आती है जो इनमें रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर होता है। इसलिए ईएस रिएक्शन की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट कंपाउंड की जो ईएस रिएक्शन होगी उसकी रेट सबसे ज्यादा आएगी और फोर्थ नंबर कंपाउंड की ईएस रिएक्शन की रेट सबसे कम हो जाएगी। अब हाइपर कंजुगेशन की सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन होती है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एल्कीन के हाइपर कंजुगेशन को दोबारा से रिकॉल करते हैं। एल्कीन के हाइपर कंजुगेशन में हमने इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करा था और इसके इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शिफ्ट कर दिए थे, जिस कारण से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहा था, इसलिए इसको हमने नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा था। और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई थी, जिस कारण से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए थे और ऐसा होने से इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हुई थी। अब बॉन्ड लेंथ के रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ए मान लेते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को बी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम सी मान लेते हैं। अब ए बी सी बॉन्ड को हम कार्बन सिंगल एच के साथ, कार्बन सिंगल सी के साथ, कार्बन डबल बॉन्ड सी के साथ कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट ये आता है कि जब ये ए बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं रह पाता, इसलिए जो ए मार्किंग वाला बॉन्ड होगा वो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। इसी तरह से इसका सेकंड रिजल्ट ये आता है कि जो बी बॉन्ड था अब वो सिंगल ना रहकर उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाते हैं, इसलिए जो बी बॉन्ड होगा वो परफेक्टली सिंगल बॉन्ड से छोटा बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि बी बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो गए हैं। इसी तरह इसका तीसरा रिजल्ट ये आएगा जो सी बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि सी बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए सी बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो हमारे पास डिफरेंट एल्कीन्स दी गई हैं और उसमें बॉन्ड लेंथ को हाइपर कंजुगेशन के बेस पे कंपेयर करना है तो तो सबसे पहला काम एल्कीन के इस सी डबल बॉन्ड सी के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके अल्फा एच को काउंट कर लेते हैं। जैसे इस एल्कीन में हमारे पास टोटल 3 अल्फा एच है और इस एल्कीन में इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को हमने एक्स माना हुआ है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमने वाई माना हुआ है। जब इस एल्कीन का हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को ब्रेक किया जाता है, यानी कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड का बीच में से ब्रेक होता है, जिससे इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं, यानी एक्स बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं और ये बॉन्ड सिंगल बन जाता है, यानी वाई बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। और इस एक्स और वाई बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है इसको अल्फा एच की संख्या के साथ इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे ही अल्फा एच की संख्या बढ़ती है ये जो एक्स की बॉन्ड लेंथ होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्स होती है। इसी तरह जैसे ही अल्फा एच की संख्या बढ़ती है वाई की बॉन्ड लेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि अल्फा एच की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ ऑफ वाई होती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं एरर ना हो जाए इसलिए जो एल्कीन की बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन होते हैं उसको हम ट्रिक से करते हैं। ट्रिक में क्या करना है, जिस एल्कीन में जितने अल्फा एच हो उनको उतने ही मिनट मान लेना है। ध्यान रखना है कि हम ट्रिक यूज कर रहे हैं, ऐसा मिनट वाला कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली होता ही नहीं है, बट ट्रिक अप्लाई करेंगे तो ये हमको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर मान लो किसी एल्कीन में, जैसे इस एल्कीन में 3 अल्फा एच है तो 3 अल्फा एच है, हम मान लेंगे ये एल्कीन 3 मिनट तक अपना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करती है, जिसको अगले एग्जांपल से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब मान लो हमारे पास ये 2 डिफरेंट टाइप की एल्कीन दी गई है, जिसमें इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ए मान लिया और इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम ए डैश मान लेते हैं। अगर इस एल्कीन की बात करें तो इसमें एक अल्फा कार्बन होता है जिस पर 3 अल्फा एच है, जबकि इस एल्कीन में भी एक अल्फा कार्बन है बट इस पे 2 अल्फा एच है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अल्फा एच की संख्या ज्यादा है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अल्फा एच की संख्या जिसमें ज्यादा होती है उसको मिनट मान लेते हैं। जैसे इसमें 3 अल्फा एच है, समझने के लिए इसको हम मान लेते हैं 3 मिनट तक अपना प्लस एच लगाएगा। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि मिनट का कॉन्सेप्ट हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और इस एल्कीन में चूंकि 2 अल्फा एच है इसको हम 2 मिनट मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे। चूंकि इसमें 3 एच है तो 3 मिनट तक ये हमको डबल दिखेगा। इसी तरह से इसमें ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे। इसमें 2 अल्फा एच है इसलिए ये बॉन्ड हमको 2 मिनट तक डबल दिखेगा, ये बॉन्ड हमको 3 मिनट तक डबल दिखा, ये बॉन्ड हमको 2 मिनट तक डबल दिखा। तो इन दोनों में से ज्यादा देर तक हमको एक बॉन्ड जो होगा वो डबल दिखेगा। तो इसके अगर बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें तो जो ए डैश बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ए से ज्यादा आएगी, क्योंकि वो हमको केवल 2 मिनट तक डबल दिखा है। इसी तरह से अगर इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आप इजिली ये देखोगे इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो रहे हैं, इसलिए इसको कंपेरिजन करने के लिए हम इसको बी और इसको बी डैश मान लेते हैं। अगेन इसको मिनट से कोरिलेट करते हैं। अगर ये प्रोसेस 3 मिनट तक चलेगा तो ये बॉन्ड 3 मिनट तक सिंगल बनेगा, और इसमें ये प्रोसेस अगर 2 मिनट तक चलेगा तो इसमें ये बॉन्ड 2 मिनट तक सिंगल बनेगा। तो नेट हमको ये बॉन्ड 3 मिनट तक यानी ज्यादा देर तक सिंगल दिखा है। तो इन दोनों में से अगर बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें तो बी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बी डैश से ज्यादा आएगी। और प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि बड़े बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसके बेसिस पे हम इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी 6th एप्लीकेशन रहती है आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे हम आईपी कहते हैं। बेसिकली इसको आप इनऑर्गेनिक में ज्यादा यूज करते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी होता क्या है। अगर किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस मिनिमम एनर्जी को हम आईपी कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, प्लस एच के थ्रू किसी भी एल्कीन के जो sp2 यानी ऑलिफिनिक कार्बन होते हैं उन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े तो पहले से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है, इसलिए अब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, यानी कि इसको निकालने के लिए हमको कम आईपी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ इसके लिए प्लस एच और आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास टोटल 4 एल्कीन दी गई है। अगर इस एल्कीन की बात करें तो इसमें अल्फा एच की संख्या 0 है, इस एल्कीन में 3 अल्फा एच है, इसमें 6 अल्फा एच है और इस एल्कीन में हमारे पास टोटल 12 अल्फा एच है। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये हुआ इस एग्जांपल में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाते हो तो अल्फा की संख्या इंक्रीज हो रही है और अल्फा की संख्या इंक्रीज होने से इसमें हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी सबसे कम हाइपर कंजुगेशन इसमें होगा और सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन इसमें होगा। और हाइपर कंजुगेशन और आईपी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे इन सब का आईपी वोल्ट में दिया गया है, इस एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन एब्सेंट है इसलिए इसका आईपी सबसे ज्यादा है और इसमें हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा है इसलिए इसका आईपी सबसे कम 8.53 है। इन सभी प्रॉपर्टीज के अलावा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी जिसे हम HOH कहते हैं उसको भी हाइपर कंजुगेशन के थ्रू कोरिलेट किया जा सकता है और जिसका वीडियो हम लोग पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर HOH का वीडियो देख सकते हैं और उसमें ये सीख सकते हैं कि किस तरह से हाइपर कंजुगेशन के थ्रू हम किसी भी एल्कीन में उसकी HOH प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने हाइपर कंजुगेशन को और उसकी एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से समझा होगा। यहाँ तक हमने तीनों तरह के इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन को कंप्लीट कर लिए हैं, साथ में उनकी एप्लीकेशन को भी समझ लिया है और आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग इनकी कंबाइंड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे।